फ्रेंड्स, ये है अमेज़ोन की फायर टीवी स्टिक और इसको मैंने ऑर्डर करा है अमेज़ोन से भी सेल पे। और आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं है। पहले इसकी मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ। और ये इसकी पैकिंग है, मतलब अभी कैमरा शायद फोकस नहीं कर पा रहा है। ये पैकिंग है इसकी, बैक से ये व्यू आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। राइट से इसमें ये सब दिया हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये मतलब ये कैसे इंस्टॉल करते हैं, वही सब है, प्रेस एंड आस्क अलेक्सा वगैरह ये सब है। और ये पूरा इस तरीके से पूरा डिटेल है। और अब मैं इसको खोलता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। लेट्स इसको ओपन करते हैं और मैं आपको लास्ट में इसका प्राइस ही बताऊँगा क्या इसका प्राइस है। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। और अब मैं इसको निकालने जा रहा हूँ, किस तरीके से ये बाहर आ रही है और लेट्स सी क्या क्या है। अब मैं इसकी चीज़ें बाहर निकाल रहा हूँ। एक तो सबसे पहले जो बाहर निकला है वो है इसका एलेक्सा का रिमोट, ठीक है, जो कि इसकी ब्रांडिंग करते हैं लोग एलेक्सा रिमोट से। इसको मैं साइड कर देता हूँ और उसके बाद आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अब इससे बाहर आ रही है अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन। आपको मैं पूरा व्यू देता हूँ, ये थर्ड जनरेशन वाली टीवी स्टिक है। और आई थिंक इसके अंदर ये जो है ये आपको मिल जाती है बैटरी, और ये आपकी, तो ये दो बैटरीज हैं और ये अडॉप्टर है जिससे ये चार्ज होना है। मैंने पूरा पूरा बाहर कर दिया है, मैं आपको लाइन से बता देता हूँ क्या क्या है। ये है एलेक्सा का रिमोट जो आपको वॉइस से आप इसको असिस्ट कर सकते हो। ये आपका मेन है अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक, और ये आपकी डेटा केबल है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। और ये आपका एक्सटेंशन टाइप का है, ये अडॉप्टर है ये है। और बॉक्स के पीछे जो लिखा होता है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो लिखा होता है इसमें आपको अमेज़ॉन फायर टीवी स्टिक और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट रिमोट थर्ड जनरेशन, और दो बैटरीज, पावर अडॉप्टर, यूएसबी केबल और एचडीएमआई एक्सटेंडर केबल। ये एचडीएमआई एक्सटेंडर केबल इनमें से हुई है। तो ये था पूरा इसकी अनबॉक्सिंग। अभी मैं आपको इसमें टीवी में लगा के भी दिखाऊंगा और आपको इसका लास्ट में प्राइस भी बताऊंगा। आप ये टीवी में मैंने इंस्टॉल कर दिया है और लगाते ही ना ये सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से सेटअप करा हुआ है। ये जो है फायर स्टिक इसके अंदर लगी हुई है। आई थिंक आपको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से व्यू दूँ तो आपको दिख पा रहा होगा। और तो ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो अडॉप्टर है ये करंट पास कर रहा है फायर स्टिक को, और ये टीवी का है। और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है आपको मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा किस तरीके की क्वालिटीज़ में आ रही है। टीवी जो आपके सामने वो पैनासोनिक की है, ये 52 इंच की टीवी है। इसमें ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और इसमें दिखा रहा है अपडेटिंग, और लिख के आ रहा है प्लीज़ डू नॉट अनप्लग द पावर केबल ड्यूरिंग द अपडेट। जैसे अपडेट होता है मैं आपको दिखाता हूँ कैसा इसका एक्सपीरियंस है। अब ये सेटअप हो रहा है, अब ये लोड हो रहा है, इस तरीके की स्क्रीन आ रही है सामने आपके, और ये इस तरीके का कुछ लिख के आ गया है। देखते हैं क्या लिख के आया है। इस पर पूरा सेटअप हो चुका है और इस तरीके का इंटरफेस इस पर आ रहा है। और नेटफ्लिक्स वगैरह, Z5, YouTube वगैरह सब इसमें डाउनलोड कर दिया है, और Amazon इसमें ऑलरेडी इन कर दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके का पूरा सेटअप आ रहा है। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो उसको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये वीडियो काफ़ी आपको यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।